जय भीम। मेरे सभी महापुरुषों को मेरा नमन। आज मैं निजीकरण को लेकर कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कि निजीकरण के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हमारे दलित समाज पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निजीकरण यानी कि सरकारी संस्थानों को प्राइवेट की तरफ ले जाना, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर देना, सरकारी रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट कर देना, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट कर देना, सरकारी LIC को प्राइवेट कर देना, बीमा कंपनियों को प्राइवेट कर देना, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे समाज पर। हमें और आपको पता है कि हमारा समाज कितना आगे बढ़ पाया है। 70-72 साल होने के बावजूद भी अभी हमारा समाज सिर्फ 1% ऐसा है जो आगे निकल पाया है, और शायद 1% भी नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है। उन्हें नहीं पता कि शिक्षा का क्या महत्व है, उन्हें नहीं पता कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, इतनी गरीबी है कि वो सिर्फ पेट पालने की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें नहीं मतलब कि शिक्षा से क्या महत्व है, उन्हें नहीं मतलब कि राजनीति के क्या महत्व है, उन्हें नहीं पता कि सत्ता क्या है। अपने वोट, अपने आप को बेचकर वो सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं, और इसी आरक्षण से वो आगे बढ़ते हैं। जो बाबा साहब के दिया हुआ आरक्षण है, इसी आरक्षण के दम पर वो आगे बढ़ते हैं। और इसे खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जाए। अगर सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो हमें क्या क्या नुकसान होंगे, हमारे दलित समाज को क्या क्या नुकसान होंगे। आप खुद सोचिए, क्या कोई अमीर इंसान सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहेगा? क्या कोई अमीर इंसान अपने बच्चों को सरकारी अस्पतालों में भेजना चाहेगा? क्या कोई अमीर इंसान रेलवे स्टेशन की जनरल बोगी में जाना चाहेगा? शायद नहीं। गरीब इंसान ही इधर भागता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे 4 पैसे बचेंगे जो मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों के खान पान में काम आएंगे। जब यही 4 पैसे, आप सोचिए, वो प्राइवेट में जाके ये सारे पैसे वहीं खर्च कर देगा, तो क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्या वो अपने बच्चों का पेट भर पाएगा? शायद नहीं। और वापस से वो गरीबी की तरफ, वापस से वो भुखमरी की तरफ जाएगा, और वापस से गुलाम बनेगा। यही है निजीकरण। आप खुद सोचिए कि निजीकरण, सरकारी और प्राइवेट के क्या महत्व होते हैं। सरकारी का मतलब ही होता है सेवा, सेवा भाव, और प्राइवेट का मतलब ही होता है मुनाफा। उन्हें नहीं मतलब आपसे कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। फीस भरिए तो पढ़ाइए, पैसा भरिए तो इलाज कराइए, वरना मर जाइए। पैसा भरिए तो ट्रेनों में जाइए, वरना पैदल जाइए। यही है निजीकरण, हमारी जेबों से पैसा निकालना। यही है निजीकरण, गरीबों को और ज्यादा गरीब करना, ताकि वो शिक्षित ना हो जाएं, ताकि वो आगे ना बढ़ जाएं। एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक सर्कस का जो मालिक होता है, वो अपने शेर को कभी भरपेट खाना नहीं देता। क्यों नहीं देता भरपेट खाना? कि अगर ये भरपेट खाना अगर मैं इसको दूंगा तो ये शक्तिशाली हो जाएगा, और अगर ये शक्तिशाली हो जाएगा तो शायद मुझे भी खा जाएगा, और फिर जंगल की तरफ अपना राज करेगा। इसको कम खाना दो, मारो भी नहीं इसको, मरने भी मत दो। अगर ये मर जाएगा तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे लिए पैसा कौन कमाएगा, और अगर ये इसका पेट भर जाएगा तो ये शक्तिशाली हो जाएगा। यही हमारे समाज के साथ किया जा रहा है। हमें पूरी तरह से ना मरने दिया जा रहा है, और ना ही हमारे पेट भरने दिए जा रहे हैं। हम इसी गरीबी और इसी लाचारी में इनके गुलाम बने रहे, यही इनका मकसद है। इन सरकारों का यही मकसद है कि निजीकरण लाके इनके आरक्षण, इनके अधिकारों को छीना जाए। अगर इनके आरक्षण और इनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा तो ये वापस से गरीब और गुलाम बन जाएंगे। अब इससे कैसे बाहर निकला जाए, किस तरह से हम इस चीज को बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने संविधान को बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने हक को बचा सकते हैं। आरक्षण हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हजारों सालों तक हमारा शोषण हुआ है, हजारों सालों तक हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो आज आप मंदिरों में जाते हैं, भगवान देवी देवता पूछते हैं, आपको क्या लगता है आपके देवी देवता ये मंदिर मस्जिद हैं? नहीं, आपका देवी देवता, आपको अगर किसी को पूजना है, आपके ऊपर वाला है, और आपके ऊपर वाला क्या, आपका स्वयं का मस्तिष्क। आप खुद सोचिए कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक मजदूर? डॉक्टर इंजीनियर क्यों ज्यादा पैसा कमाते हैं? क्योंकि वो शिक्षित होते हैं, उन्हें एजुकेशन अच्छा मिला होता है, उन्होंने अपनी बौद्धिक शिक्षा पे काम किया होता है,
और बौद्धिक काम कर रहे होते हैं, इस वजह से वो अमीर होते हैं, सक्षम होते हैं। और एक मजदूर जो बहुत मेहनत करता है, दिन रात घसीटता है, यानी कि सर के नीचे का भाग, सर के नीचे का भाग, इसका काम करता है, और क्या है उसकी जिंदगी? तो हमारा भगवान ऊपर नहीं है, हमारा भगवान यहां ऊपर है। बुद्धि, शिक्षा, यही हमारा भगवान है। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक नई नई शादी हुई और सास अपनी बहू को लेके मंदिर गई कि चलो बेटा, हमारे यहां पर पूजनीय मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, और यहां पर हमें पूजा करनी होती है। जब भी कोई नई दुल्हन आती है तो यहां पूजा करनी होती है। नई दुल्हन पढ़ी लिखी थी, वो उनके साथ चली गई। और जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, उसने देखा मंदिर के बाहर दो बड़े बड़े शेर खड़े हैं। वो डर गई और अपनी सास से बोली कि चलो वापस, वहां शेर हैं, वो हमें खा जाएंगे। सास ने उसके सर पे एक मारा और बोला, तू बहुत बुद्धू है, तू बहुत पागल है, ये तो पत्थर के शेर हैं, ये नहीं खा सकते, ये पत्थर के हैं। बहू बोली, अच्छा पत्थर के हैं, और आगे चले। मंदिर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि एक गाय खड़ी है और एक बछड़ा दूध पी रहा है। उसने अपनी सास से कहा, सासू मां, मैं घर से बाल्टी लेके आती हूं और इसका दूध निकाल लेते हैं गाय का, वरना ये बछड़ा गाय का दूध पी जाएगा और हम थोड़ा बहुत दूध यहां से ले जा सकते हैं। फिर से सास ने मारा, अरे पागल, मेरे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई लग रहा है, ऐसी बहू आई है जिसे कुछ पता ही नहीं, ये पत्थर की गाय है, ये दूध नहीं दे सकती, ये पत्थर की है। थोड़ा और आगे बढ़े, मंदिर के अंदर पहुंचे, वहां उसकी सास ने कहा कि बेटा मांग लो, माता रानी बैठी हैं, माता रानी से आशीर्वाद ले लो, माता रानी से मांग लो। बहू ने चारों तरफ देखा और बोली, मां मुझे तो यहां कोई माता नहीं दिखाई दे रही। तो सास ने कहा, ये क्या है, माता रानी है। तो बहू ने कहा कि ये तो पत्थर की है, जब पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता, जब पत्थर की गाय हमें दूध नहीं दे सकती, तो ये पत्थर की मूर्ति हमें आशीर्वाद कैसे दे सकती है। हमारे भगवान हमारे माँ बाप ही हैं, हमारे भगवान आप ही हैं, हम आपकी सेवा करेंगे वहीं से हमें सब कुछ मिलेगा, हम आपकी सेवा करेंगे वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, यही आपका धर्म है। अपने आप को बुद्धिमान कीजिए, अपने आप को शैक्षिक योग्य कीजिए, यही आपका कर्तव्य है। आगे बढ़िए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। कैसे बनेंगे हम पावरफुल? जब हमारी सत्ता आएगी, जब हम राजनैतिक रुचि लेने लगेंगे, तब हम पावर बनेंगे, तब हमें पावर मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। हम सिर्फ पेट के लिए काम करेंगे, एक नौकरी मिल जाएगी या कोई छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, और ये सत्ताधारी मनुवादी सरकारें हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे। कभी कोई बिल लाएंगे, कभी किसान बिल लाएंगे, कभी कोई बिल लाएंगे, कभी निजीकरण करेंगे और हमारा शोषण करते रहेंगे। हमें अपने आप को बचाने के लिए अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा, अपने आप को राजनीति के अंदर लाना पड़ेगा, अपने आप को राजा बनाना पड़ेगा। गांव का प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, तमाम ऐसी चीजें हैं, हमें अपने मुख्यमंत्री, हमें अपने प्रधानमंत्री बनाने होंगे जो हमारे अधिकार के लिए बात रख सके, जो हमारे अधिकार के बारे में सोच सके, जो हमारे शोषणों के बारे में बात कर सके, जो हमारे साथ हजारों साल शोषण हुए उनके बारे में बात कर सके, जो हमारे लोगों को जागरूक करने के ऊपर काम कर सके, जो हमारी शिक्षा के ऊपर काम कर सके। हमें ऐसी सरकारें चाहिए होंगी, हमें ऐसा विवेक चाहिए होगा। तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, तब कुछ हो सकता है, वरना आने वाले कुछ सालों बाद जिस तरह की जिंदगी पहले थी, वापस से वैसी जिंदगियां हो जाएंगी। क्योंकि निजीकरण आने के बाद आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे, आपको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, प्राइवेटों में आपको 12-12 घंटे आपको रगड़ा जाएगा, कम तनख्वाह दी जाएगी, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूल होंगे, और आप अपने बच्चों को खेतों में लगा देंगे, आप अपने बच्चों को काम में लगा देंगे, क्योंकि इतना पैसा हम कमा ही नहीं पाएंगे। हम अपने अपने जो छोटे छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी मुख्य धाराएं, उन्हीं धाराओं को पूरा करने के लिए पैसा जुटाते रहेंगे और लगाते रहेंगे। एक बार घर का एक व्यक्ति बीमार हो गया और प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों में उसका इलाज हो गया, तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी कमाई चली गई। क्या पढ़ाएंगे आप अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूलों में? कैसे आप जा पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह
जब इतनी महंगी यात्राएं हो जाएंगी, सब प्राइवेट हो जाएगा, कैसे कर पाएंगे आप ये सारी चीजें? सोचिए, विचार कीजिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। और हम पावरफुल तब हो सकते हैं जब हमारी सत्ता हो, जो लोग हमारे लिए बात कर सकें, जो लोग हमारे अधिकारियों के लिए बात कर सकें, जो लोग हमें पावर दिला सकें, जो हमें लोग हमें शिक्षा के ऊपर बात कर सकें। हमें अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें चिंतन की आवश्यकता है। और आज अगर आपने चिंतन नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों में आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी और अपने आने वाली पीढ़ी की जिंदगी किस तरह से बर्बाद की है। बाबा साहब ने अगर संघर्ष ना किया होता, बाबा साहब ने अगर हमारे लिए लड़ाई ना की होती, तो आज हम ये अच्छे कपड़े, अच्छे मकान और अच्छी नौकरियां समानता का सार।